अगर एक दिन अकेले अकेले रहोगे तो मांगना पड़ेगा मानना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र होगा। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो, और एक स्वस्थ बच्चे का पैदा होने में इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने अगर हम संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय लेकर संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। सरकार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी आए हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे, एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगर उनको याद हो इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छन्नी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू होने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो और माँ पर याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को अपने बेटों को खो दिया। याद करो इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे। इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो तो अपनी ताकत बनाओ, गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साफ तौर देखो जल रहे मध्य प्रदेश में। इतिहास भी बचेगा, इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब भी आए थे, मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पर बैठे हैं हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा सो आएंगे। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है दाना फेंकता है हमारे लोगों को फंसाता है, जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। पिछले 4 साल में जो किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई हम लोग 1 साल में कर देंगे, जो मांग पत्र आपका वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। आप आगे बताओ, बहुत अच्छे
मुख्यमंत्री